क्या हाल है आप सबका आप ठीक हो yeah. जैसे कि आप सब लोग जानते हो और वो सारे बच्चे जो हमें एम पर देख रहे हैं वो भी ये जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम वक्फे नौके सलेबस के ऊपर बेस करता है आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं जो भी दुआएं, अहदीस और जनरल नॉलेज हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे आप हमारे साथ उसका हिस्सा बन सकते हैं तो आप सब रेडी हैं हम प्रोग्राम शुरू करें पिछला प्रोग्राम आप सबको याद है कि हमने दुआएं याद की थी हदीस याद की थी और हमने अपने मज़हब के बारे में हमारे बेसिक बिलीफ जो हैं वो उनसे शुरू किया था तो आज हम अपना तीसरा प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और आज का प्रोग्राम हम अपनी दुआ के साथ शुरू करेंगे कौन सुनाई का दुआ जी मुदसर आप सुनो वला वला जजाक आप सबको समझ आई कि इसका क्या मतलब है कि अल्लाह के नाम के साथ मैंने अल्लाह पे तवक्कल किया जब हम आपको पता है पहले हमने खाना खाने से पहले भी हमने दुआ याद की थी कि हम अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू कर रहे हैं ऐसे ही ये घर से निकलने के लिए भी हम अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह पे तोल करके और हमें ये यकीन है कि अल्लाह ताला तो सब कुछ कर सकता है ना हमें हर मुश्किल से बचा सकता है और किसी भी वक्त आपको कोई मुश्किल बता कर तो नहीं आती है तो इसलिए आपको अल्लाह ताला से ये दुआ करके निकलना चाहिए कि अल्लाह ताला के नाम के साथ मैंने अल्लाह पे तवक्कुल किया है और इसके सिवा कोई तो कोई ताकत कोई ऐसी कुवत नहीं है जो मुझे नुकसान पहुंचा सके है ना तो अल्लाह ताला ही है जो हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी मदद करता है और हमारी हिफाज़त करता है उसी के नाम के साथ मैं अपने घर को छोड़ के जा रहा हूँ और जब मैं बाहर जाऊँगा तो मुझे ये यकीन है कि अल्लाह मेरी हिफाज़त फरमाएगा ठीक है अब बारी है हदीस की कौन सुनाएगा आज की हदीस सुहेब को दें अरबिकजाक और कौन इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन सुनाएगा सलमान मर्सी और कौन उर्दू ट्रांसलेशन सुनाएगा जी बर जो रहम नहीं करता उन पर रहम नहीं किया जाता जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता आपको पता है एक औरत थी बहुत नेक औरत थी उसने उसको बिल्ली बहुत पसंद थी उसने क्या किया उसने एक बिल्ली को लिया और उसको पिंजरे में बंद कर दिया और उसको टाइम पे खाना नहीं दिया और वो उसी में पड़े रहने से क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई एक औरत थी वो इतनी गुनाहगार थी और बिल्कुल अल्लाह मियाँ का थैंक्स नहीं करती थी वो एक दिन पानी पीने के लिए कुएं के अंदर गई और अंदर जा के पानी पीकर बाहर आ गई जब वो बाहर आई तो उसने क्या देखा एक कुत्ता जो था वो प्यास से हाँप रहा था और वो खड़ा था कि कोई उसको पानी पिला दे वो अंदर गई कुएं के अंदर वापस गई और वहाँ से अपने जूते के बीच में वो पानी भर के ऊपर लाई और उसने लाकर उस कुत्ते को पिलाया तो पता है क्या हुआ वो औरत जो बहुत नेक थी और उसकी ग़लती की वजह से बिल्ली की डेथ हो गई उसके लिए उसके लिए अल्लाह ताला का हुक्म हुआ अल्लाह ताला का इशाद हुआ कि उसको दो में डाल दिया जाए और वो औरत जो इतनी गुनागार थी और अल्लाह मियाँ का बिल्कुल शुक्र नहीं अदा करती थी और सारे बुरे काम करती थी उसी वक्त जब उसने कुत्ते को पानी पिलाया तो उसके लिए अल्लाह ताला ने उसको जन्नत की बिशारत दी देखो आपकी एक छोटी सी नेकी की वजह से क्या हुआ कि अल्ला ने आपको कितना बड़ा उसका रिवॉर्ड दिया है ना अला ने उसको कितनी अच्छी जजा दी तो आप छोटी छोटी नेकियां जो करते हो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अलामियाँ आपको उसका कितना ढेर सारा इनाम दे सकता है So Atiyah Abadi has told us a story, um, she's told us a, an incident that happened and it's about showing mercy and it's about being kind to people. That's what mercy is, being kind to people or, or to animals. And she was saying there was this one lady that was such a good lady, she did everything that Allah told her to um, and she, she listened and, and she did very good things. And she really liked cats. So one day she, she had a, a little baby cat, a kitten, and she put it in a cage. And she forgot to give it any food, she didn't give it anything to eat, and the, the little baby kitten died. And then there was another lady that didn't do any good things and she didn't listen to um, Allah what Allah asked her to do. and but one day she was going into a well to get some water. And she went into the well and she came up. She'd got herself some water and she came up again. And there was this dog that was there. And the dog was so thirsty, he was waiting and waiting. And he was breathing really heavily because he was waiting and waiting for somebody to, to get him some water. Um, because it was a deep well, the dog couldn't go down himself and get it. So she went down and she brought up some water in her shoe because she didn't have anything else to bring it up in. So she, she gave the dog some water. And, and that lady, she was told that she was going to go to heaven. because that little bit of act of kindness that she did, um, Allah said he was going to reward her for, for, for that little bit of things that she did and forgive all the other sins because that one little bit of kindness. And the other lady, the one that, that made the kitten die, she was told that she'd be punished for what she did. Even though she'd done lots and lots and lots of good things, there was this one thing that she did which wasn't good. So we have to remember that Mercy is being kind to people, showing kindness to others. And every little bit of kindness that we do, every little bit of kindness that we behave towards other people, Allah will reward us for those things. Jinnaya. Why didn't the women listen to Allah? Because some people um they they don't listen, do they? They know what the right thing is to do. and they just don't listen like sometimes when it's maybe when it's namaz time and our mums and dads tell us to get up and do namaz and we say oh we'll do it later we'll do it later and we forget so that lady was like that she didn't do the good good things Salman <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, उस उससे दूसरे मोर इम्पोर्टेंट काम करने थे इसलिए भूल गई थी कैसे वो तो आप पे है ना कि आपकी चीज़ों का कितना ख्याल रखते हो है ना हमें एनिमल्स के साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए जैसे हम इंसानों के साथ अच्छा करते हैं हमें ये याद रखना चाहिए कि एनिमल्स भी जो हैं वो अल्लाह ताला ने बनाए हैं ना तो हो सकता है कि वो उसको ये ख्याल ना हो कि मैंने जैसे इंसानों का ख्याल रखा जाता है वैसे एनिमल्स का भी ख्याल रखना चाहिए हर आ, कोई लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम होते हैं कहते हैं कि कुत्ता गंदा एनिमल होता है इसलिए मगर वो उस औरत ने कुत्ते की मदद करी इसलिए इसका मतलब है कि कुत्ता गंदा है क्योंकि कोई लोग कहते हैं ये मतलब नहीं है आप देखो आप कितने रहमदी लो बहुत सारे लोगों ने डॉग इसलिए भी रखे होते हैं कि वो उनके घर की हिफाजत करते हैं कोई भी चीज़ अलामिया ने बेमायनी तो नहीं बनाई है ना और जो भी चीज़ अलामामिया ने बनाई है हमें उससे प्यार करना चाहिए हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया है ना कि आप इंसानों के साथ भी अच्छा सलूक करो और जानवरों के साथ भी रहम का सलूक करो है ना उनको वक्त पे पानी दो उनको वक्त पे हर चीज़ उनको दो उनके ऊपर ना करो इवन कि वो जानवर जैसे डंकी है इसके ऊपर घोड़ा है आप इनको इस्तेमाल करते हो वज़न उठाने के लिए तो उनके ऊपर भी उतना ही वज़न ला दो जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं है ना तो जानवरों के साथ आप ये नहीं कह सकते कि वो बुरा है या अल, अला ने तो सारी मखलूक बनाई है तो हमें सबके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए ना ये तो लोगों के कॉन्सेप्ट हैं कि कोई जानवर अच्छा नहीं है कोई बुरा है आपने उसको उसको रहम आया, उसको प्यास लगी थी और उसने ये अच्छा काम किया ना कि उसने उसको पानी पिलाया well, So, what this lady did was such a nice thing to do because so somebody else might have just left the dog on the side and said, Well, he's only an animal, why should I help them? But this lady said, Well, he's Allah's creation as well, and he's thirsty, so I should help him. And she was rewarded so well by Allah for that. What you're asking about was that, yes, some animals are dirty, and, and, and some people say, well, we shouldn't let them in the house because that's where we do namaz. So that's where we pray, we do salat there. So that's where it should be kept nice and clean. That's why some people say that we shouldn't have those kind of animals in the house, which could make it dirty. Why did the woman listen to the dog and not listen to Allah? Well, she, she, she didn't listen to the dog, but she saw the dog that was very thirsty and she wanted to help. That's why. So, what it means is that even when people do bad things, sometimes there is still some good in them and then they do something good as well. Jiburira. You know the girl who killed the cat by accident? You know, when she didn't give her food, was it by accident or was it on purpose? से उसने जो भी उसको लगा अगर उसके दिल में रहम आता तो उसको ये ख्याल होता कि मुझे इसको फूड देना है ये मर सकता है, है ना इसका मतलब उसने सोच समझ के किया ना वेल इफ यू इफ यू इफ यू आर गोइंग टू टेक सो हैमना चाहिए था रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग देन यू हैव टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी सीरियसली एंड इफ यू आर टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी अब okay, बारी है हमारे तीसरे सेशन की जो कि हमारा जनरल नॉलेज का है और आपको पता है कि हम आजकल अपने बिलीव्स और अपने बिलीव्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं हमारा थर्ड बिलीफ ये है कि हम अल्लाह ताला ने जो किताबें हमारे लिए भेजी हैं हम उनके ऊपर कितना ईमान रखते हैं और कितना नहीं और हम बीइंग मुस्लिम ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ किताबें भेजी हैं ठीक है और वो हाँ मुख्तलफ़ अम्बिया कराम को मुख्तफ उनके वक्त में अल्लाह ताली ने उन पर किताबें भेजी हैं सहीफ़े भेजे हैं जिसमें अल्लाह ताली ने अपनी तलीमत हमारे तक पहुँचाई हैं ठीक है मुख्तफ दौर में जो अम्बिया कराम आए थे वो हाँ उनके ऊपर किताबें नाजिल फ़रमाई थी जिनके ज़रिए वो लोगों को अल्लाह ताल पैगाम पहुँचाते थे ठीक है We believe that Allah has sent down various different books to different prophets and, and um, on messengers of Allah, and that um, Allah sent down these books so that people can learn from them, people can see what the teachings are and what they should be believing in and how they should behave. So, Allah sent down all these books. Um, what books do we know about? Who can tell me about some books that have been revealed uh, from Allah? My, uh, Madiha? holy quran. that's right. so tell, who can tell me a little bit about the holy quran? Aiza? Um, the quran was revealed in 23 years through Hazrat jibril and um, uh, it was and it's all in arabic and it's got english translation. that's right. <laughs> G. And it, it was. It was. And. The Jati yeah, It was revealed raad. on Hazrat Moses. Peace, peace be upon him. G. And it it has also been changed throughout okay. the years. Okay. Our Konsi book, Kapata G. Mudasir. Injil, also knows as the Gospel. The Gospel, that's right. And who was that given to? Uh, Has Isa? Yeah. Has yes. And who else? Um, Hassan. Hassan. Zaboor. That's right. Who can tell me what Zabur is? Do you know what it is? It's a book. Yeah. Do you know who it was revealed to? alayhis Good. And there's one more. Who can tell me? Sumita? The Psalms. That was Zabur. That was Zabur. So that's the one that um, Hassan has told us about. One more, sir? I think it's so far, the scrolls. The scrolls, yeah. And who were those given to? Um, was it I'm not really sure. अल्लाह ताली ने मुख्त दौर में जो है अम्बिया कराम के ऊपर किताबें भेजीं लेकिन हम हमारे लिए अल्लाह ताली ने सबसे आखिरी किताब जो थी वो कुरान मजीद भेजी और हम इसलिए कुरान मजीद की हर रोज़ तिलावत करते हैं और दूसरी बुक्स को नहीं पढ़ते क्योंकि वह सारी बुक्स जो थीं वो अल्लाह ताली ने कुरान मजीद में हमें इकट्ठी करके दे दी ठीक है हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सारी किताबों की रिस्पेक्ट करें क्योंकि वो उनमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बास का जिक्र किया है और बास का नहीं फरमाया ठीक है तो बास में बहुत सारी चीज़ें अपनी हालत में मौजूद हैं और बास में नहीं लेकिन कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसकी ज़िम्मेदारी जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली थी ठीक है तो इसलिए हम कुरान मजीद में वो सारी बातें जो जबूर अंजीर तो में और सहूफ़ में आई हैं वो सारी बातें हमें कुरान मजीद में मिल जाती हैं और कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसमें हमें हम हमें बताया गया है कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है हमें खाने पीने से लेके सोने उठने जागने और ये कि आप आपकी सोशल लाइफ कैसी होनी चाहिए आपका लॉ क्या कहता है हर बात अल्लाह मियाँ ने हमें कुरान मजीद में बता दी है हम कितने लकी हैं ना है ना कौन पढ़ता है बाकायदगी से कुरान मजीद सारे बच्चे पढ़ते हैं और कौन इसकी ट्रांसलेशन पढ़ता है समझ के पढ़ता है पढ़नी चाहिए ना कि अल्लाह ताला ने देखो अल्लाह ताला ने एक तरह से हमारे साथ बातें की है ना है ना उसमें तो हमें समझना चाहिए अल्लामियत तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है जी सलमान well, uh, well, it says that alamia only protect the protected the Quran why didn't he protect the other books well the problem with the other books was that it was a bit like a game of chinese whispers who knows how to play chinese whispers so you whisper one thing to one person and you whisper it to somebody else and by the time it gets around the circle the whole thing has changed doesn't it so that's what happened to the other books so they told their children and they told their children and they told their children by the time it got to today the book was completely changed so allah saw that all the books were being were changed like that so allah said about the holy quran I'm going to make sure that nobody nobody can change you, change the Quran, and it will be exactly as Allah revealed. And that's what what Abadi was saying was that the Quran is such a book that it's got all the information about from all the other books of Allah. So the information that's in the Torah, that's in the Torah, that's in the Gospel, um, and in all the other books, Allah has put in the Quran. So there's no need to read all the other books because we've got everything written in one book. And, uh, um, is that? Um, because um, is it like um, the Quran is um, protected, and if like people say that they're gonna burn the Quran, but Allah Meets, and people have revised it from like the back days, and then so that's why is that the other reason why the Quran hasn't been changed? Well, the, the, there's a few reasons the Quran hasn't been changed because Allah has has, has has said himself that he will protect it, and one of the reasons is that. um, there are certain people that know the Quran off by heart. Who knows what that's called when you learn the Quran off by heart? G, Isa. A No, half is. Half is, is somebody that learns the whole Quran off by heart. So somebody that knows the whole Quran off by heart, Um, and they will make sure that, the, that when it's written down, when it's typed up, that there are no mistakes in the Quran. And that's how one of the ways that Allah has protected the Quran, because there's are always going to be people that know it off by heart. And that know the whole Quran off by heart, not just little bits of it. <laughs> और जो लोग कुर मजीद को याद करते हैं वो हाफिज़ और हाफजा कहलाते हैं ठीक है तो अब हम अपना फोर्थ सेशन शुरू करें हमारा फोर्थ सेशन जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट का है जिसमें आपको हम सिखाएंगे मज़े मज़े की चीज़ें तो तैयार हैं आज हम आपको सिखा रहे हैं कुछ डो के फूल बनाना पहले हमने आपको कागज़ से बनाना सिखाया था लेकिन ये बनाना भी बहुत आसान है बहुत सारे बच्चों के पास ये प्लेडोज़ होती है लेकिन उनको समझ नहीं आती कि वो क्या बनाए बहुत आसान है और आप जब बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा ये डिफ़रेंट कलर्स की डो बनी बनाई आपको मार्केट से मिल जाती है ठीक है इसको थोड़ा सा लें बस ऐसे इसको ऐसे कोई भी शेप बना लें जो लोग घर में बनाते हैं वो डो उसको काफ़ी देर रखना पड़ता है क्योंकि वो बाद में फूल बनाने के बाद शेप बनाने के बाद वो टूट जाती है सो so, उनको ऐसी शेप्स बना के फूल बना के काफ़ी देर रखना पड़ता है लेकिन जो ये बाजार से बनी बनाई मिलती है ये टूटती नहीं है बाद में अब इसको आपको इसको बहुत रिफाइन करने की जरूरत नहीं है ये हमने कुछ पेटल्स बना लिए हैं इस तरह की वायर्स बाजार से मिलती हैं और अक्सर घर में भी पापा की गाड़ी की भाई के स्कूटर की बहुत सारी चीज़ें ऐसे घर में मौजूद होती हैं इसके अलावा आप लकड़ी के पीसेस भी ले सकते हैं उसके ऊपर आप ग्लू लगा के साथ साथ आप इसकी शेप ठीक करते जाओ कुछ बड़ी पेटल्स आप बाद में लगा ले छोटी छोटी पेटल्स के साथ आप इसको डिवेलप करते जाएं। आप कोई भी ग्लू यूज कर सकते हैं ये है हमारा आज का फूल पसंद आया आप सबको ये देखिए डो में बहुत सारी चीजें होती है जिसे आप मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं और आप कार्ड्स बना सकते हैं आप बहुत सारी फ्लोरल अरेंजमेंट कर सकते हैं इसके साथ तो पसंद आया आज का फूल आसान है ना कोई बहुत मुश्किल नहीं है आप आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे इकट्ठे करना शुरू करें और फिर आप बाद में कुछ बड़े पीसेस जोड़ के इसको एक बड़ा सा फूल बना सकते हैं है ना आसान है ना चलें अगले हफ्ते फिर हम आपको सिखाएंगे कुछ नई चीजें आपको पता है शाहजेबाजी हम जो भी सिखाते हैं वो बच्चे हमारे लिए बना के लेके आते हैं और उन बच्चों को और सारे बच्चे जो टीवी पर देख रहे हैं उनको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या सीखा है तो आज सब क्या बना के लेके आए हैं सब बारी बारी दिखाएंगे जी बिल्कुल सलमान okay, से शुरू करें जी सलमान आप क्या लाए बना प्रोजेक्ट well, में आपको एक वालो बनाना था जी और फिर मैंने अपने आप ये वाला बनाया और फिर इसे आ, क्या कहते हैं एक्सप्लोर करने के लिए आपको बस कोक और थोड़े से मेंटोस चाहिए अच्छा माशाल्लाह देखा कितनी अच्छी चीज़ बनाई है ना और और कौन बना के लेके आया है स्मिता आप क्या लाए हो मैंने एक फूल बनाया हुँ? और साथ केली बनाया और थोड़ा सा मेरी वो थोड़ी सी मैंने हेल्प ली अपने पापा से वाओ wow, कितना अच्छा बनाया ना कितना बैलेंस है दैट वाज व्हाट यू टोल्ड देम लास्ट वीक वाजंट इट आई डू दिस फ्लावर्स बहुत अच्छा आसान था ना बनाना है ना आपको मजा आया आप इसके साथ अपना रूम भी डेकोरेट कर सकते हो कितनी अच्छी चीज बनाई है और कौन दिखाएगा जी आप दिखाएं आयजा आयजा एक आम, मैंने एक जार बनाया है जिसमें मैं पेंसिल सब डालूंगी और इसको यूज करूंगी जी और मैंने इस पे फूल माशाल्लाह देखा कितना अच्छा बनाया है आयजा ने प्लास्टिक का कप लेके डिस्पोजेबल कप लेके उसके ऊपर पेपर के साथ फूल बनाया है और भी कुछ बना कर लाइए आयजा जी दिखाए और स्कूल में हम वो मेक्सिको के बारे में लर्न कर रहे थे और वीविंग के बारे में और मैंने ये स्कूल में बनाया था चैकट का देखा वीविंग की भी है आयजा ने और कौन बना कर लाया है जी बरीरा आप क्या लाए हो मैं लास्ट टाइम की फूल आई थी भी मैं ऐसे सही इतना नहीं बने ये एक मैंने छोटा सा बनाया था hmm. ये भी अच्छा है बहुत प्यारा बना हुआ है और फिर मैंने इसके ना पीछे स्ट्रॉज लगा के लगाए थे माशाल्लाह देखा कितना क्रिएटिव काम किया है अच्छा लग रहा है आप सबको और कौन लाया बनाकर जी आप दिखाओ सुहेब मैं पोस्टर बनाया है जी और उसकी सारे लिखी है पीस और अलग भी लिखा है जी इसके ऊपर सुहेब ने कैलीग्राफ़ी की है सारी अच्छी है ना कितना कलरफुल है आप सबको अच्छा लगा जी। और कौन क्या बनाकर लाया है जी हसान आप क्या लाए हो बनाकर मैं मैंने एक पोस्टर बनाया पोस्टर बनाया दिखाए पोस्टर सबको माशाल्लाह देखा सुहेब ने भी कैलीग्राफी की है कुछ फूल बनाए हैं कुछ स्टार्स नजर आ रहे हैं शाबाश और कौन बनाकर लाया है जी नाया आप क्या लाए हो two flowers and one butterfly where is butterfly oh mashaallah that was really good yeah i think you've all done really worked really hard this week on making nice things to show us and inshallah the

and we hope all the viewers all over the world have enjoyed the programme today and have learnt a lot of uh, information from it. Jazakumullah and Insha'Allah we'll see you soon. In today's programme, you have learnt that we should have faith in Allah the Almighty, we should have faith in Allah the Almighty because Allah the Almighty is the One who has so power that He us from every evil and bad power. ये सीखा हदीस में कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता और इसके अलावा हमने अपनी बुक्स के बारे में सीखा कि हम कुरान मजीद क्यों पढ़ते हैं और कौन कौन सी किताबें जो हैं वो अल्लाह ताला ने वक्त के साथ उतारी थी वो सारे बच्चे जो हमें एम टी ए पर देख रहे हैं वो हमें ईमेल कर सकते हैं हमें ख़त लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि उन्हें हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा और उन्हें क्या कुछ सीखने को मिला हमारा ईमेल एड्रेस है किड्स टाइम एट एम टी ए डॉट टी वी और हमारा पोस्टल एड्रेस है किड्स टाइम एम टी ए इंटरनेशनल सिक्सटीन ग्रेसन हॉल रोड हमारा पोस्ट कोड है एस डब्ली एटीन फाइव क्यू एल लंडन यू के इसके अलावा अगर आप ये प्रोग्राम एम टी ए पर नहीं देख सके तो आप यूट्यूब के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं आप यूट्यूब ओपन कीजिए और उसके ऊपर जाके लिखिए एम टी one kids वन किड्स टाइम जजाकला अपना बहुत ख्याल रखिएगा अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाम व बरकातहू